बागेश्वर नगर में पल पल लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बागेश्वर पुलिस जल्द ही अभियान शुरू करने वाली है। पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र अजय रोतेला द्वारा लगाए गए जनसंवाद कार्यक्रम में सर्वाधिक शिकायत व सुझाव यातायात व्यवस्था को लेकर आए थे। आईजी कुमाऊं ने भी बागेश्वर पुलिस को आदेश दिए थे कि वो यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाए। इधर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि बागेश्वर शहर में पहली बार कुछ क्षेत्रों को वन वे तथा कुछ क्षेत्रों को नो ट्रैफिक जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिला अस्पताल रोड को वन वे तथा कत्यूर बाजार क्षेत्र को नो ट्रैफिक जोन घोषित किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में पुलिस अभी नागरिकों के साथ बैठक करने के बाद ही कुछ डिसीजन लेने के पक्ष में है। फिलहाल आने वाले दिनों में नगर में यातायात नियंत्रण के लिए कुछ कड़े फैसले लेने की उम्मीद है। हाँ, देखिए अभी हमारे माननीय आईजी साहब भी यहाँ पर आए थे और यहाँ लोकल पब्लिक से भी काफ़ी उन्होंने बात करी, संवाद किया, लोगों के सुझाव आए। काफ़ी कंजेस्टेड एरिया हो जा रहा है हमारा, खासतौर से बाजार के आसपास का, और कुछ रोड्स को भी चिन्हित किया गया है जिनको हम प्लान कर रहे हैं कि अगर उसमें हम सिंगल वे वन वे के रूप में चलाते हैं तो हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको हम इवेलुएट कर रहे हैं। मौके पे हम जो है नगर पालिका प्रशासन, पुलिस और ARTO चारों विभाग जो है मिल करके इसको इवेलुएट कर रहे हैं और एक दो दिन के अंदर हम इसमें व्यवहारिकता में भी लाएंगे कि आखिर हमें इससे जो है ताकि लोगों को स्पेस मिल सके बाज़ार में चलने के लिए, रिस्क कम हो और स्पीड लिमिट को भी कंट्रोल करने के लिए हम कुछ जिगजैग बैरियर्स जो है बाज़ार के आसपास लगा रहे हैं और इससे ज़रूर लोगों को सहूलियत मिलेगी। बाजार क्षेत्र को भी प्रतिबंधित करने का सुझाव भी जो मीटिंग में आया था, क्या कुछ ऐसा विचार चला? हाँ देखिए, अभी ये सुझाव के रूप में तो आया है लेकिन इसको क्योंकि बहुत सारे इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, व्यापारी वर्ग भी है हमारा, हमारे जो है पब्लिक है जिसको जो है अगर हम बिल्कुल दूर तक रोक देंगे तो उसका अप्रोच उनकी रुक सकती है, बुज़ुर्ग लोग आ सकते हैं वहाँ पर जिनको काफ़ी दूर है, महिलाएं हैं सामान लेकर के उनको कैरी करने में दिक्कत है, ये सारी चीज़ों का हम इवेलुएट करके जो हमारी कॉमन मीटिंग होगी मौके वाली जिसमें प्रशासन, पुलिस, ARTO और जो लोकल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ, उसमें हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि कितने एरिया को हम पूर्णता प्रतिबंधित कर सकते हैं, कितने को आंशिक कर सकते हैं और कहां पर हम उनको फैसिलिटेट आखिर पब्लिक को कर रहे हैं कि एट लास्ट हमें पब्लिक को ही फैसिलिटेट करना है, इस नज़रिए से हम इसमें काम करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।